हरेक विद्यार्थी का एक सुपना होंदा है कि वह चंगे कॉलेज या इंस्टीट्यूट दे विच दाखला लवे ते एक उच्च विद्या हासिल करे, पर अजकल दे इश्तिहारबाजी दे युग विच विद्यार्थियों लई इह तय करना मुश्किल हो गया है कि किहड़े कॉलेज या इंस्टीट्यूट दे विच दाखला लिया जावे। सो इस नूं लैके एक अवेयरनैस पैदा करन दे लई जां जानकारी देन दे लई शुरू किए गए साडे खास प्रोग्राम कैरियर किंग लैके मैं कुलदीप सगू एक बार फिर तो तुहाडी खिदमत दे विच हाजर हाँ। एक माहिर कंसल्टेंट नाल रूबरू कराउण दी लड़ी दे तहत इस वारी असीं सद्दा दित्ता है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल टैक्नोलॉजी तो डायरैक्टर डॉक्टर सुभाष डावर जी को। सो सब तो पहले डॉक्टर साहब साढ़े प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब मैं सब तो पहले तुहानू सवाल पूछांगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल टैक्नोलॉजी ते तुसी अपने इंस्टीट्यूट के बारे सानू दसो। सब तो पहले मैं चढ़दी कला टाइम टीवी के दर्शकों सत श्री अकाल ते जी आयां नूं आखदा गुरु नानक इंस्टीट्यूट की स्थापना 91 के अंदर इस उद्देश्य नाल हुई कि जेड़े स्टूडेंट्स दसवीं पास या प्लस टू पास बच्चे ने ओ बेरोजगार ना हो, रोजगार दिलाने वास्ते ही गुरु नानक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। अज साडे बच्चे काफी अपने पैरों ते खड़े होके अब रोजगार प्राप्त कर रहे ने। तो डॉक्टर साहब केड़े केड़े कोर्सेज ने जेड़े तुहाडे इंस्टीट्यूट दे विच बच्चियां नूं करवाए जांदे? हाँ कुलदीप जी, मैं दर्शकों नूं ये दसना चाहना भी जेड़े साडे इंस्टीट्यूट के अंदर पैरामेडिकल कोर्स ने वो लबोरेटरी टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, ओटी टैक्नीशियन और ओपथैल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है। इस दे अंदर पैरामेडिकल कोर्स के अंदर यह जो ओटी का कोर्स है वधिया तरीके जो कोर्स कराने आप उस अंदर अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, अपने थिएटर का ओपरेशन थिएटर का पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। फर्स्ट क्लास तरीके डॉक्टर लोग आते हैं, स्टूडेंट्स वधिया तरीके बहुत वधिया तरीके प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं ताकि बच्चा जो है परफेक्ट होकर इंस्टीट्यूट तो बाहर निकले। इसी तरह ही जो अपने लबोरेटरी टैक्नीशियन है साढ़े को माहिर जो है हाईली क्वालिफाइड स्टाफ ने, BSc MSc स्टाफ साढ़े को ले, ते वो वधिया तरीके बच्चों बहुत वधिया तरीके मतलब प्रैक्टिकल कराने ने। प्रैक्टिकल के नाल जिवें एक्सरे का है, एक्सरे का प्रैक्टिकल कराने ने, बल जेड़े भी साढ़े कोर्स ने सारे का सारा वधिया तरीके जी के मतलब जिस दिन बच्चे कोई परेशानी ना हो ते उस दिन सारे प्रैक्टिकल करा के बच्चे परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि इन बच्चों की मार्केट के अंदर वैल्यू पेगी ता ही गुरु नानक इंस्टीट्यूट की वैल्यू पेगी। अगर स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है तो फिर साड़ी भी वैल्यू नहीं हो सकती जी। जो तुसी प्रैक्टिकल बारे दस्या कि बच्चों प्रैक्टिकल करवाया जाता है, नाल स्टडी भी बड़ी जरूरी है, पर प्रैक्टिकल लई लैबोरेटरीज दा तुहाडे उत्थे की सुविधा है? साडे कोल फुली कंप्यूटराइज लैबोरेटरी ने जी, ते मैनुअल लैबोरेटरी भी है, मतलब बच्चों नूं आपां ऑडियो विजुअल नाल भी दिखाने हैं ते उस दे नाल अपना जिहड़ा प्रोजैक्टर हुंदा है लाइव प्रोजैक्टर LCD नाल, मतलब सारे वधिया तरीके नाल जिहड़ी लेटेस्ट अजकल थ्यूरी है जिहड़े लेटेस्ट तरीके नाल बच्चों नूं समझा सकते हैं, उस नाल बड़े ईजी मूड नाल बच्चों नूं समझाने हैं, बड़े ईजी नाल प्रैक्टिकल करके दिखाने हैं बच्चों जी। ते विद्यार्थियों दे बैच या ग्रुप दा एक की खास रेशो रखी जांदी कि किदां एक तुहाडा टीचर किन्ने बच्चों नूं एक टाइम ते पढ़ाया जांदा है या किदां दी क्लास लाई जांदी? देखो कुलदीप जी, इस तरह है कि जिहड़े टीचर ने उन्हें पता ही मैं 10 बच्चे नाल वधिया तरीके नाल भी प्रैक्टिकल करा सकदा, मैं जिन्ना के स्टूडेंट्स नूं वधिया तरीके नाल प्रैक्टिकल करा सकदे हैं और उन्ना के आपा बैच लेने 10 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट जिहड़े हैगे मतलब वध तों वध इन्ने के बच्चे आपा ले सकदे 10 तों 12 तक दे 10 तों 12 बच्चे तक ले सकदे आपा जी। ते इहदे असी इह हो गई स्टडी दी गल, ते आफ्टर स्टडी तो जदों ट्रेनिंग दी गल आंदी कि किते ट्रेनिंग लगवाई जांदी जां बच्चों नूं एक अगे दा जो प्रैक्टिकल उन्होंने करना उहदे लई तुहाडे की टाई अप्स ने? प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअली साढ़े जिहड़ा इंस्टीट्यूट है बच्चों नूं प्रैक्टिकल जो सारा का सारा ना मतलब जो कहते मचोर जो है वधिया तरीके प्रैक्टिकल हैगा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर परफेक्ट करके ही भेजता है जी। उस तो बाद जो बच्चा कुछ सीख जाता है उस तो बाद ही आप बाहर जो अपने होस्पिटल ने नर्सिंग होम है साढ़े लोग बहुत काफ़ी होस्पिटल ने सैकड़ों होस्पिटल ने या नर्सिंग होम ने जिथे बच्चा साढ़े मतलब उत्थे ट्रेनिंग भी जाते हैं बच्चे जी। ये जो थोड़े होस्पिटल टाई अप्स ने कि सरकारी होस्पिटल भी ट्रेनिंग लगवाई जाती? नहीं सरकारी नहीं, सरकारी पास बच्चे कर लेंगे पर उन्होंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उतो नहीं मिलता, इस करके बच्चे प्राइवेट होस्पिटल वे वे होस्पिटल ने बहुत वे वे होस्पिटल ने जी। प्राइवेट होस्पिटल वधिया ने जी। हाँ जी,
एडमिशन का जो आप गल करिए, एक बच्चे ने एडमिशन लैनी 10वीं या प्लस टू करने तो बाद कोई बच्चा एडमिशन लिया, उसका की प्रोसैस है ते किदां दे विद्यार्थी दाखला लै सकते? जेडे साडे कोल स्टूडेंट्स ने जी उस दे अंदर 10वीं पास और प्लस टू पास जी या उस तो 10वीं तो बाद जेड़ा भी क्वालिफिकेशन है बच्चे दी, वह सारे सारे अपने इतने एडमिशन ले सकता है। साडा कोई लिखती टेस्ट नहीं है, जेड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट बेस से जो साडी सीटा कंप्लीट हो जाती है उस तो बाद आपां क्लोज कर देने एडमिशन। इस करके जेड़े भी स्टूडेंट्स ने वो अपने आप ही मैक्सिमम साडे स्टूडेंट्स ही ले आंदे ने जी, जेड़े साडे स्टूडेंट्स ने वो ही मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स नहीं लेके आते हैं, उन्होंने पता भी मैं वधिया तरीके नाल सिखिया इत्थे ते मेरे जेड़े आने वाले फ्रेंड ने या जेड़े रिश्तेदार ने वो वधिया तरीके नाल इत्थे सीख सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट साडे स्टूडेंट्स ही ले आते हैं, इसलिए सानू बड़ा माण है। जिवें कि पहला भी तुसीं दस चुके हो कि हरेक बार हरेक साल जो स्टूडेंट थोड़े को आते हैं उन्हों की गिनती में वाधा होंगे, पर फिर भी उन्होंने कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे ने, कई की एडमिशन होंगी कई की नहीं, उसके लिए एडमिशन लिए कोई खास तैयारी या कोई खास टेस्ट या कुछ भी इदा का कोई प्रोसैस जो वालों उत्थे हो? साडा सिंपली प्रोसैस है क्योंकि जो एडमिशन लेने वास्ते आएगा तो यह टैक्नीकल काम है जी, टैक्नीकल इंस्टीट्यूट है और टैक्नीकल ही कोर्स है जी। इस दे अंदर बच्चे का थोड़ा आई क्यू देख के आप मतलब बच्चा एक कोर्स कर सकता है, एक जनरली टेस्ट, एक जनरली टेस्ट जो गलबात करके उस तो बाद आपां इजीली एडमिशन दे देंदे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी साढ़े ते। ते गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल टैक्नोलॉजी काफ़ी नाम है, हरेक मेरे ख्याल बच्चों पता भी है, पर जो आप फिर भी गल करिए इतने मानता प्राप्त या एफिलेटेड होने की कितों मानता प्राप्त है जी इंस्टीट्यूट? जेड़ा अपना इंस्टीट्यूट है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल टैक्नोलॉजी, यह इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मैडिकल टैक्नोलॉजी न्यू दिल्ली तो मानता प्राप्त है, जिसनों की स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन मिली है, जिसकी की गवर्नमेंट रिकोगनाइज ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड डिप्लोमा वो प्रोवाइड करते हैं जी। तो इतों दिता जाने वाला सर्टिफिकेट जी आप गल करिए इतों अपना स्टेट तो फिर नैशनल तो इंटरनेशनल लैवल कितने तक इन्होंने आप जॉब लिए अपलाई कर सकते? देखो जेडे साडे स्टूडेंट्स ने हुण अपने पटियाले रजिंद्रा होस्पिटल है उसने साडे काफ़ी 7-8 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, टीवी होस्पिटल है, सिविल होस्पिटल है, अपोलो होस्पिटल है, रणवैक्सी है, बाहर कनेडा बच्चे बाहर गए हुए हैं, काफ़ी कंट्रीज बच्चे गए हैं, एक कोर्स करने तो बाद जो बच्चे कितने भी अप्लाई कर सकते हैं, कितने भी अपने जॉब ले सकते हैं, काफ़ी बच्चे स्वरोजगार भी हो चुके हैं जी, अपने पैर पर खड़े ने, अपनी लैबोरेटरी बनाई हुई है उन्होंने जी, अपना काम कर रहे हैं, जो वधिया तरीके कर रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े होस्पिटल च एक कोर्स करने तो बाद अपने पैर पर खड़े ने बच्चे, मतलब कि कोर्स करने तो बाद एक सरकारी जॉब तो लैके अपना काम करने या एक प्राइवेट होस्पिटल से जॉब करन या फिर विदेश जाने जो चाहवा ने उन्होंने भी उत्थे जाके जॉब मिल जाती है। हाँ जी, या तुहाडे कॉलेज वालों कोई प्लेसमेंट कैंप या किसी होस्पिटल नाल या किसी कंपनी नाल कोई टाई अप या इदां दा कुछ? देखो टाई अप साडा महल मैक्सिमम होस्पिटल जिहड़े हैगे पटियाले दे या बाहर दे काफ़ी पंजाब दे इंस्टीट्यूट ने या जिहड़े होस्पिटल वधिया तरीके ने ते उन्हां दी साडे कोल रिक्वायरमेंट आंदी है वी तुसीं अपना बच्चा भेजो जी, उह कहिंदे वी लेणा ही गुरु नानक इंस्टीट्यूट दा बच्चा आपां ने जी, वो कहते भी जो बच्चा सीख के आया भी सीख के आएगा तो ही साढ़े को काम कर सकता है जी, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगा। तो इस करके लोगों को यह विश्वास है मतलब जो होस्पिटल डॉक्टर ने उन्होंने पता है भी गुरु नानक इंस्टीट्यूट जो बच्चा आया है भी वह कुछ ना कुछ सीख के आया जी, वधिया तरीके सीख के आया, इस करके साडे बच्चों की जो गुरु नानक इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड ने, मार्केट के अंदर इन्नी ज्यादा वैल्यू है कि जो डॉक्टर ने अपने आप ही सानू कॉल करते हैं और बच्चे की प्लेसमेंट हो जाती है जी। तो विद्यार्थियों के मापियां या विद्यार्थियों च खुद भी यह होंगे कि जोड़े दूर जोड़े तो नेड़े के विद्यार्थी वो तो आके अप डाउन कर सकते हैं, पर दूर के विद्यार्थियों लिए कोई होस्टल की सुविधा इतने इंस्टीट्यूट वालों दी जाती? हाँ बिल्कुल दी जाती है जी, जिहड़े अपने बाहर के हरियाणा के हिमाचल के या होर दूजे स्टेट के काफ़ी स्टेट के आते हैं बच्चे या पंजाब के भी काफ़ी दूरों बच्चे आते हैं अपने को जी, तो उन्होंने वास्ते साडे कोल होस्टल का अरेंजमेंट है, वधिया होस्टल अरेंजमेंट है, साडा घर का खाना मतलब बन के बच्चे नूं दिंदे ताकि उन्होंने कोई परेशानी भी महसूस ना होए। तो होस्टल दे विच एक आपां कहीए कि लड़के लड़कियां दा हुण तुसीं दस्सिया कि कॉलेज इक्को ही है, तो होस्टल दे विच किद्दां दा उन्हां दे नाल वंड कीती गई आ, किद्दां लड़कियां दा होस्टल अलग लड़कियां दा अलग, तो सुरक्षा लई कोई सिक्योरिटी जां किन्नी कु दूर ने तुहाडे तों इंस्टीट्यूट तों किन्नी दूर होस्टल? देखो जिहड़ा होस्टल है सब तो पहले गल आती है भी सेफ्टी दी जी, भी जी लड़की इन्नी दूर आ रही है, पेरेंट्स हाँ। जवान बच्चे छड़ रहे साडे कोल, उस दे अंदर की होंदा है कि बच्चे की फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी होनी चाहिए है, जब बच्चे सेफ्टी हो चुकी भी लगे भी कन्फर्म है सेफ्टी है इतने, उस तो बाद बच्चे खाना पीना वधिया होना चाहिए,
खाना पीना वधिया हो गया, उस तो बाद जिहड़ी स्टडी है वह वधिया तरीके होनी चाहिए है। साडा होस्टल के अंदर भी हरेक चीज़ का टाइमिंग है, रोटी खाने का टाइम है, उठन का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, इस करके बच्चा कितने बाहर नहीं जाता। साडा अरेंजमेंट साडा इत्थे कैंपस अरेंजमेंट हैगा सिर्फ गर्ल्स का, जिहड़ा बॉयज़ का हैगा वह साडे कैंपस तो बाहर हैगा काफ़ी जी। इस करके बच्चे की पूरी सेफ्टी है, माँ प्यो इस चीज़ का कोई घबराहट ना कर, भी पूरी सेफ्टी साड़ी। दूसरे इंस्टीट्यूट देखे भी काफ़ी मतलब नहीं है कि उन्हें सेफ्टी नहीं है, पर साढ़े गुरु नानक इंस्टीट्यूट के अंदर 23 साल तो बच्चों की पूरी पूरी सेफ्टी है जी। हुण तुसीं दस्सिया कि 23 साल तो तुहाडा इंस्टीट्यूट चल रहा, तुसीं विद्यार्थी हरेक बार विद्यार्थी आते हैं, नवे पुराने विद्यार्थी तुहाडे काफ़ी सक्सैस भी हो चुके हैं, की एक तजर्बा देखने को मिले इन्नी देर दे विच तुहानू एज ए डायरैक्टर तुसीं काम कर रहे हो? सर तजर्बा थोड़ा बहुत वधिया क्वेश्चन है। इस अंदर की है जिहड़े साडे पुराने स्टूडेंट से 10 साल 15 साल पहले, मतलब वो इन्ने सैटिस्फाई है, आज उन्होंने बच्चे साडे कोल एडमिशन ले रहे हैं, वो अपने बच्चे नूं भेज रहे हैं, तो इस तो वधिया होर साडा एक्सपीरियंस नहीं हो सकदा। सर्विस दा ही तुहानूं इह नतीजा कि हां इह सानूं इस चीज तों आपां खुश ने, साडा स्टाफ बड़ा सैटिस्फाई है, साडे बच्चे सैटिस्फाई ने, आपां सोचदे कि साडे बच्चे सैटिस्फाई ने, इहदा मतलब सारे सैटिस्फाई ने जी। जब साडे बच्चे ही नाराज हो गया, साडे बच्चे नूं प्रोपर वे नाल स्टडी नहीं मिली या मटीरियल नहीं मिलिया, तो उसका की फायदा उस चीज दा? तुसीं गल कीती स्टाफ दी, हुण आपां इत्थे स्टाफ दा जिक्र करिए कि किन्ना स्टाफ तुहाडे इत्थे इंस्टीट्यूट दे साडे कोल जिहड़ा स्टाफ है कुलदीप जी जी हाईली क्वालिफाइड वैल क्वालिफाइड है जी। उस दे अंदर बच्चे नूं बड़े सिंपल तौर ते बच्चे नूं इन्ने तरीके अच्छे तरीके नाल समझाया जांदा है कि बच्चा हिंदी पंजाबी इंग्लिश जिहड़ा मर्जी मीडियम चाहुंदा है उही मीडियम बच्चे नूं दे दिंदे, तो बच्चा परफेक्ट होके मतलब सीख जांदा है जी। सीखण तों बाद बच्चा खुश होएगा ही होएगा, नेचुरली गल हैगी। ते क्लासे दा की टाइम है उत्थे, कोई ट्यूशन वगैरह जां किसे तरह की अलग कोचिंग भी तुहाडे इंस्टीट्यूट वल्लों दित्ती जांदी? नहीं, अलग कोचिंग साडे इंस्टीट्यूट नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी? इसका भी एक मतलब है, इसका एक रीजन है। इसका रीजन की है कि साडा स्टाफ इन्ने वधिया तरीके नाल स्टूडेंट्स नूं इन्ने अच्छे तरीके नाल एक बार दो बार तीन बार बच्चा पूछ सकता है, अगर उस तो बाद समझ नहीं आया बच्चे नूं तो स्टाफ साडा 4 बजे तक बैठता है, और 4 बजे तक घंटा डेढ़ घंटा बच्चा जिहड़ा है उत्थे आराम नाल पूछ सकता है। उसके बाद बाय चांस नहीं समझ आया बच्चे नूं, सवेरे फिर स्पेशल क्लास लगती है तो बच्चा उत्थे भी सीख जांदा है। इस करके साडा बच्चा बड़े ईजी मूड नाल सीखता है, और आराम नाल प्रैक्टिकल ते थ्योरी बड़े अच्छे तरीके नाल सीख के परफेक्ट होने की कोशिश करता बच्चा जी। तुसीं दस्सिया कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट तो विद्यार्थियों बारे आपां स्टाफ बारे गल कीती, जे हुण थोड़ी जी गल कीती जावे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की जां उत्थों दे माहौल की, किदां दा एरिया उत्थे ते किदां दा माहौल है आसे पासे? देखो आस पास जो माहौल है जी, बहुत शांत प्रिय माहौल है जी, और जरा है तो मतलब रेजिडेंस एरिया जी, पर उस दिन जो माहौल है बहुत वधिया, बच्चे मतलब कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं किसी तरह की जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਪਥਾਲਮਿਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ, ਓਪਥਾਲਮਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਲਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
काफी ज्यादा वैकेंसीज ने जी जिन्हां दी साडे कोल रोज फोन कॉल आंदी रहिंदी है। कंपनी भी आंदी है, पिछले साल साडे कोल दिल्ली तो कंपनी आई है जी। ओ कहंदे इहनूं कि जी सानूं स्टूडेंट्स दो, स्टूडेंट्स गए भी है, साडे लगे भी है। उस तो बाद जो लोकल है पटियाले च, पटियाले अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स गुरु नानक इंस्टीट्यूट का, मतलब यहोजे कोई होस्पिटल नहीं है, यह जो कोई नर्सिंग होम नहीं है, यह जो कोई लैब नहीं है जिथे गुरु नानक इंस्टीट्यूट का बच्चा ना लग्या हो। मतलब कि डे बाय डे डिमांड जी है आई जा रही है, इन्नी डिमांड है कि साडे कोल पूरी भी नहीं हो रही। जिन्हें भी बच्चे हुण आणगे एडमिशन वास्ते, उन्हां वास्ते रोजगार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने पैर ते खड़े हो सकते हैं जी। तो एक ऐसा बच्चा जो पैरामेडिकल कोर्सेज दे विच दाखला लेना चाहता है, जां इच्छा रखता है कि वह इन्हां कोर्सेज दे नाल पढ़ाई करे जां अगे हायर एजुकेशन करे, उहदे लई तुसीं एक की सलाह देने चाहोगे जां की उहनूं एक लाइन दसनी चाहोगे किहड़ा कॉलेज या इंस्टीट्यूट चूज करे? देखो हुण साडे कोल जिहड़ा लैबोरेटरी है या एक्सरे है या ऑप्थाल्मिक एक्सरे जो भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज अपने कोल है, उस तो बाद डिग्री भी बच्चे साडे कोल हैगी जी, उस तो बाद डिग्री भी कर सकता है। और जो डिग्री है फुल फ्लैज जी यूजीसी रिकोगनाइज अपनी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एफिलेटेड है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मतलब कि बच्चे पहला एक कॉलेज फिर कॉलेज कितों मानता प्राप्त जी, कि तकनीक कि पढ़ाया जाता वो सब तो पहला उन्होंने देखने, बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए। पेरेंट्स भी मैं कहूँगा भी जेडे पेरेंट्स अपने बच्चे एडमिशन वास्ते भेज देने भी वह अकेले बच्चे ना भेजन, अपने पेरेंट्स आके देखन, देख पड़ताल करके ही एडमिशन लेन, ताकि उन्हें पता लगे भी साडा बच्चा कित्थे पढ़ रहा है। तो मेरा लोगों को यह मैसेज हैगा दर्शकों भी जेड़ा बच्चा गरीब है, जेड़ा बच्चा पूरी फीस नहीं दे सकता, उसकी फीस वास्ते आप पांच सात जेड़े बच्चे हैं, दस बच्चे साढ़े को आते हैं, पांच बच्चे का एडमिशन हो चुका है, तो जेड़े गरीब पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं पर उन्हों को पेमेंट नहीं है, फीस नहीं है, वो साढ़े वो आगे कॉन्टैक्ट करन ताकि उन्होंने बच्चों का फ्यूचर संवर सके। विद्यार्थी लिए पूरे तरह पूरी मदद की जाती जी, जी। कोई किसी कोई फीस की या किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह की हरेक तरह को जी जी। अजकल जो पेरेंट्स के बेचारे इन्हों की इनकम सोर्स ही जी ज़्यादा नहीं हैगी, पर बच्चे इंटैलीजेंट ने, मैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट आने का मैसेज दिना कि भी वह इंस्टीट्यूट आन तो अपनी पढ़ाई इतने शुरू कर, ताकि आप माली हालत थोड़ी देख के उन्होंने फीस की कंसेशन भी की जा सके, तो यहोजे जो स्टूडेंट्स ने साडे को आके बेनीफिट उठा सकते हैं, जिहड़े पेरेंट्स अपने बच्चे उन्होंने किसी होर नूं भी दस सकते हैं ताकि इंस्टीट्यूट आके वह बच्चे अपने फ्यूचर संवार सकते हैं। सो डॉक्टर साहब कोई इदां दी गल जां इदां दा सवाल जो मैं ना पूछ सकिया होवां जां तुहाडे दिल विच होवे जां पुछना काफ़ी जरूरी होवे जिहड़ा विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वह इदां दी कोई गल जानते हुए सानूं दसो? साडे कोल जिहड़े स्टूडेंट्स आंदे आ ना बेचारे, वह डरते हैं भी कदे इंग्लिश मीडियम ना होवे जी, इंग्लिश मीडियम करके साडे कोल स्टूडेंट्स जिहड़े ने वह आंदे नहीं हैगे। तो मैं कहना भी साडे कोल हिंदी मीडियम भी है, पंजाबी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, जिहड़े भी मीडियम च बच्चा पढ़ना चाहता है वह साडे कोल पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, पूरा बच्चा प्रोपर वधिया तरीके नाल सीख के मतलब अपने जो टारगेट है, जो एम है ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਟਾਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।